तो दोस्तों स्वागत है आपको और एक नया फ्रेश और क्यू एन ए वीडियो में। मैंने सुबह ही पोस्ट किया था क्यू एन ए वीडियो बनाने के लिए, आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कर सकते हैं। तो बहुत सारा भाई ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है और सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन किया है भाई ने पूछा है, भाई आपका कमाई कितनी है? गैलेक्सी M51 का प्राइस जितना है लगभग उतना अभी आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है, भाई ब्लॉग वीडियो बनाओ। तो भाई ब्लॉग वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल में नहीं डालूंगा, दूसरा शायद कोई नया चैनल क्रिएट कर सकता हूँ, बट अभी कोई प्लानिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, योर एडुकेशन। तो भाई मैं ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुका हूँ और फिलहाल अभी स्टॉप है, मतलब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, भाई आप वीडियो कौन सा कैमरा से बनाते हो? तो मेरे पास अभी आप सभी को पता होगा अगर मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो मेरे पास है पोको M2 Pro और उसी मोबाइल का सेल्फी कैमरा जो है उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, भाई आपका कितने गर्लफ्रेंड है? आप लोगों को क्या लगता है गर्लफ्रेंड कितना हो सकता है? देखिए डेली दो या फिर एक वीडियो में डालता हूँ, तो गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है और फिलहाल अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, भाई लाभा का कौन कौन सा मोबाइल आने वाला है? देखिए लाभा का 7 तारीख मोबाइल लॉन्च होने वाला है, आप सभी को पता है, और गेमिंग फ़ोन लॉन्च होने वाला है और 2 या फिर 3 स्मार्टफोन आपको मिलेगा। और कौन सा फ़ोन होने वाला है, मतलब नाम क्या होने वाला है, ये ऑफिशियली अभी तक निकल के नहीं आया है, बट आप वेट करिए, 7 तारीख को आपको डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किया है, भाई व्हिच सॉफ्टवेयर डिड यू यूज फॉर एडिटिंग योर वीडियोस? तो गाइस मैं 2 सॉफ्टवेयर को मतलब ज़्यादा यूज करता हूँ, एक है काइन मास्टर, दूसरा है पावर डायरेक्टर, और कभी कभी मैं लैपटॉप से यूज करता हूँ, वो भी बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी ने किया है, सर जब आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जब अच्छे व्यूज नहीं आते थे, आप क्या करते थे? देखिए मैं तो ज़्यादातर कोशिश करता था कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है उसी पे वीडियो बनाने का, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक में ज़्यादा चांस है कि नया नया स्टार्टिंग में जो है व्यूज़ आ जाता था। तो मेरा ऐसा प्रॉब्लम बहुत कम हुआ है, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहा है, मतलब कब तो आता था बट ऐसा नहीं कि 1, 2 या फिर 3 में ख़त्म हो जाता था, 100 व्यूज़ आ जाता था क्योंकि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक में जो है वीडियोस बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किया है, भाई आप 2020 में कब खुश थे और क्यों? देखिए 2020 में मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं इंडिया पे तो नहीं था, मैं दुबई पे था, नॉर्मल था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे किया है, माइक्रोमैक्स का बैक कवर ऑफलाइन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये मोबाइल ऑनलाइन सेल हो रहा है, ऑफलाइन शायद आ सकता है बट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप एक काम करो, फ्लिपकार्ट में जाओ, आपको बैक कवर जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किया और कब? आज से लगभग 3-3.5 साल पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जब मैं दुबई में था, उसके बाद अभी तो घर पे आ गया हूँ, बट उस टाइम में फ्री मतलब टाइम था बहुत, तो इसीलिए मैं स्टार्ट किया था, बट बाद में इसमें अर्निंग भी होने स्टार्ट हो गया, मोनिटाइज भी हो गया, तो धीरे धीरे जो है सब चेंज होता गया और आगे बहुत कुछ नया आपको इस चैनल में मिलेगा, तो ऐसा मैंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने पूछा है कि प्लीज़ पिकअप माई क्वेश्चन, Realme 7 में एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब आएगा और बिना फॉर्म का अपडेट नहीं मिलेगा क्या? फॉर्म का तो पता नहीं कौन सा फॉर्म की बात कर रहे हैं आप, और फॉर्म करने का ज़रूरत नहीं है, बट बहुत जल्द Realme 7 में आपको Android 11 का अपडेट मिलेगा, तो वेट करिए, कब मिलेगा ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ कंफर्म है कि आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, भाई आप बंगाल से कौन सा ज़िले से हो? मालदा डिस्ट्रिक्ट एक नॉर्मल सा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, भाई प्लीज़ रिप्लाई सेटअप टूर। सेटअप टूर का जो है अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसे मतलब इस वीडियो में तो नहीं कर सकता हूँ, तो वेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, भाई एडिटिंग बाई मोबाइल सिखाओ, मतलब एडिटिंग मोबाइल में कैसे किया जाता है, मैं कैसे करता हूँ, तो इसके बारे में डिटेल्स में और एक वीडियो आपको जो है मिल जाएगा, मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो डालने का। तो ये सारा भाई लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था आज, और सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ। अगर आपका मन में अभी भी कोई सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करके बाजू में बल के घंटा उसको जरूर दबाना। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।